गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए जी आगे देखते हैं. अच्छा पहले कुछ ये दो तीन छोटे छोटे कॉस्मेटिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. आज सिर्फ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पढ़ लो, इतना समझ लो, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा. अगर 15 मिनट में पढ़ लिया तो 15 मिनट में छोड़ दूंगा, एक घंटे नहीं हुआ तो एक घंटा पढ़ना पड़ेगा अपने को. बट आज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अच्छे से. चलिए जी. सो मिनिमम ऑफर टू पब्लिक. अच्छा आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जब हम लोग बोलते हैं ना पब्लिक इशू, तो पब्लिक इशू में पब्लिक को कितने शेयर्स देना पड़ते हैं आपको, कम से कम, कमित कमी ये बोलते हैं ना. हाँ जी कितना देना पड़ता है, 25%. कितना देना है आपको मिनिमम, 25%. अच्छा किसका 25%, टोटल इशू का 25%. ओके इंस्टेड ऑफ टोटल इशू कैन वी से पोस्ट इशू कैपिटल का 25%. व्हाट इज पोस्ट इशू कैपिटल, इशू होने के बाद जो आपकी रिजल्टिंग कैपिटल होगी उसका 25% स्टेक किसके पास होना चाहिए, पब्लिक के पास, है ना. तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर पर्टिकुलर केस में आप एटलीस्ट पोस्ट इशू कैपिटल का 25% किसको ऑफर कर रहे हो, पब्लिक को ऑफर कर रहे हो. इसके कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है ना वो एक्सेप्शन आपको दिए रूल 19(2)(b) में. अच्छा ये ना सीकरा का पार्ट है, मतलब चैप्टर 1 का पार्ट है. हम लोग SCRA में पढ़ेंगे कि कितनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको मेंटेन करनी है. अगर आप 19(2)(b) की कंडीशंस फुलफिल करते हो तो उस केस में जो आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% की थी, दैट कैन कम डाउन टू 10%. मतलब प्रमोटर्स कितना अक्वायर कर सकते हैं, 90, क्योंकि पब्लिक को कितना देना है आपको, 10. अच्छा इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो हर इशू में 25% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल किसके पास होना चाहिए, पब्लिक के पास. और अगर आप ये 19(2)(b) की कंडीशंस फुलफिल करते हो तो उस केस में 25% नहीं है, कितना है, 10% है. ठीक है. अच्छा कुछ एडिशनल कंडीशंस यहां पर दी हुई है, किस चीज के लिए, कि 10% 19(2)(b) के हिसाब से कब हो सकता है अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो. चेक करो जरा, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. पहला, मिनिमम 20 लाख सिक्योरिटीज वर ऑफर टू पब्लिक. सो इशू में आपने कितनी सिक्योरिटीज ऑफर की है, कम से कम 20 लाख. पब्लिक को कितनी ऑफर की है, 20 लाख. पहला. दूसरा, द साइज ऑफ द ऑफर कितना है, मिनिमम 100 करोड़. 100 करोड़ का इशू है कम से कम, और कितनी सिक्योरिटीज आपने दी है, 20 लाख सिक्योरिटीज कम से कम दी है. नम्रता जी है ना. ये 4-5 लड़की ऐसी ना खो जाती है थोड़ी देर के बाद, मतलब हाँ मैं ऐसे कभी मेरा ऐसे ध्यान गया ना तो ऐसे दे आर लुकिंग एट द स्क्रीन, दे आर लॉस्ट. आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट X, Y, Z, पता नहीं है लेकिन. हाँ तो जी तो जी सबसे पहले मिनिमम कितनी सिक्योरिटीज ऑफर करनी है, जल्दी से बताओ. और अब बोलो ना पनौती लोगो, 20 लाख सिक्योरिटीज. इशू साइज कितना होना चाहिए, 20 लाख नहीं, 100 करोड़. इशू साइज कितना होना चाहिए, 100 करोड़. नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी है, 20 लाख. और आगे देखो. अच्छा नॉर्मली हम लोग QIBs को कितना देते, 50. इसमें अपने को QIBs को देना है 60. नहीं समझा, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला क्या हो गया, पूरा प्रोविजन खत्म हो गया मजाक में. सुनो देखो, पहली बात क्या है, IPO में जब भी कंपनी IPO करती है तो उसे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ये लिस्टिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है कि आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी मेंटेन करनी पड़ती है, 25%. कितनी करनी पड़ती है, 20. साथ में बोलो कितनी करनी पड़ती है. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए, और एक्सेप्शंस अपने को कहां दिए हुए, एक्सेप्शंस दिए रूल 19(2)(b) ऑफ SCRR, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स. इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए, और एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि आप 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग पर भी काम कर सकते हो. लेकिन 10% अगर आपको देना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, और कंडीशंस क्या है, सबसे पहली कंडीशन, मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. कितने शेयर्स आप पब्लिक ऑफर करोगे, 20 लाख. मिनिमम इशू साइज, कितनी सिक्योरिटीज आपको पब्लिक ऑफर करनी है, मतलब टोटल इशू साइज कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़. एंड लास्ट QIB कोटा कितना आपको रिजर्व करना है, 60% ऑफ व्हाट, इशू साइज. तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल करो तो पब्लिक इशू में प्रमोटर्स के पास पोस्ट इशू होल्डिंग कितनी हो सकती है, 90, और पब्लिक के पास कितनी होगी, 10. अगर ये कंडीशंस नहीं फुलफिल कर रहे हो तो कितनी मेंटेन करनी है, 25, वो हर कंपनी के लिए है. डन, सिंपल.
डन क्या हो गया कोटा हाँ तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है एक झापट मारूंगा 25 कितनी है 25 10 हो सकती है कब जब 19(2)(b) की कंडीशंस फुलफिल करो तीन कंडीशंस आपको दिए पहली कंडीशन क्या है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी 20 लाख मिनिमम इशू साइज कितनी होनी चाहिए 100 क्रॉस और थर्ड QIP उसको कितना अलोकेट करोगे 60% अलोकेट क्लियर है सबको इतना ही है बगापुड़े अवेलेबिलिटी ऑफ इशू मटीरियल इसका क्या मतलब है कि जो भी कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कॉपीज आपको मल्टीपल लोकेशंस पे रखनी पड़ती है जैसे कुछ ब्रोकर्स के ऑफिसेज में आपने रख दिए मर्चेंट बैंकर के पास आपने रख दिए RTA STA के पास आपने रख दिए उसके अलावा अगर और कोई आपके सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं उनके पास रख दिए बट हम लोग नॉर्मली प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी ऐसे बांटते नहीं है घर घर जाके कि लो 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 मेरे को पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे वैसे नहीं करते आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दो कंपनी अपनी वेबसाइट पर स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर सेबी अपनी वेबसाइट पर सब जगह अपलोड कर देते हो जिसको ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना है डाउनलोड करो पढ़ो अप्लाई करो है ना ये सिंपल सा तरीका रहता है हम लोग फिजिकल कॉपीज यूजुअली देते नहीं ऑल्दो सैंपल बेसिस पे आप कुछ कॉपीज बड़े बड़े ब्रोकर्स के यहाँ पे रख देते हो तो अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए यू कैन गो टू दैट ब्रोकर्स ऑफिस और आप वो कॉपी कलेक्ट कर सकते हो बट ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी यूजुअली किसी को जाती नहीं ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या प्रोस्पेक्टस आपका है ना जिसके थ्रू आप पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हो फॉर सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज तो उसकी कुछ फिजिकल कॉपीज हम लोग लगते हैं एट मल्टीपल लोकेशंस बट अदरवाइज वो कॉपी आपको सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोडेबल फॉर्म में कभी भी मिल जाएगी NSE, BSE, सभी कंपनी सभी की वेबसाइट पर आपको मिल जाती है समझ में आ रहा है बाकी इसमें कुछ नहीं है आगे देखो प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव्स अच्छा अब जैसे ये पहले होता था अब खैर ये सब चक्कर बंद हो गया तो पहले क्या होता था कि अपने आप पे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी पब्लिक इश्यूज को लेके मतलब लोग ना ही इतने अवेयर थे कि दे वुड पर्पसफुली वुड वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द कंपनी सो नहीं लोगों का इतना विश्वास था मार्केट के ऊपर अभी आपने जैसे इसका IRCTC का कल पढ़ा होगा तो अमेजिंग कलेक्शन किया अच्छा एक तरफ हम लोग बोलते हैं दैट पीपल डोंट हैव मनी इकोनॉमी देर इज़ अ कंप्लीट स्लैक एंड द ग्रॉस मॉपअप इन 3 days इज 72,000 crores एक नंबर का पैसा है ये कैश में तो नहीं आया जिसने भी अप्लाई किया सबने बैंक अकाउंट से अप्लाई किया होगा मतलब वाइट में लोगों के पास 72,000 crore रखा हुआ है रिटेल वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड सम 11-12 times HNI कैटेगरी वो सब्सक्राइब 340 times 340 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ ओवरऑल द पब्लिक इशू वो सब्सक्राइब्ड आई थिंक 111-112 times राइट तो 600-625 crore का इशू था और 72,000 crore इकट्ठा किया इन लोगों ने विच इज़ आई थिंक दी हाइएस्ट ग्रॉसिंग और वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग्स हाइएस्ट सबसे बड़ा कलेक्शन रहा है आप HDFC AMC का देखते हैं समथिंग सिमिलर रिलायंस का तो भाई वो अलग लेवल पे था वो बताऊंगा आपको कहानी आसबा आने तो जबरदस्त काम किया था उन लोगों ने भी तो अब ये नंबर जिन्होंने रेस किया 72,000 crore मैं आई थिंक हम लोग लास्ट टाइम कुछ ऐसी कुछ बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है लोगों के पास पैसा नहीं है दे हैव बट दे डोंट वॉन्ट टू टेक इट आउट मतलब कोई भी नहीं चाह रहा है उसको रिस्क आउट करे कैपिटल को एवरीवन इज लाइक यू सिट ऑन कैश दैट्स ओके बट हमको खर्च नहीं करना है बस जिसकी वजह से आप ये पूरा के पूरा इकोनॉमिक स्लोडाउन देख रहे हो सो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से उनका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि आप स्पेंडिंग कैसे बढ़ा सकते हो आप ये टैक्स ऑप्स में इंसेंटिव दे रहे हो ना इसको सिर्फ कंपनी को फायदा मिलता है ऐसे रिटेलर्स को फायदा मिल ही नहीं रहा है मतलब अपने जैसे आम आदमी को क्या फायदा मिल रहा है ना उसका आपने 3% टैक्स रेट कम कर दिया भगवान जाने कहाँ किस तरीके से मेरे को बेनिफिट मिलेगा बेनिफिट वो हो कि मैं अपेरेंटली आई फील लाइक स्पेंडिंग तो आई थिंक उस स्केल पर इनको काम करना चाहिए बट वो हो नहीं रहा अच्छा तो क्या होता था कि पहले जब IPOs अपने आप इतने पॉपुलर नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे बहुत सारे ब्रोकर्स अपॉइंट करते थे और इन ब्रोकर्स को आप मोटिवेट करते थे कि भाई अब अपने क्लाइंट्स को जितने भी उन ब्रोकर्स के क्लाइंट्स हैं अल्टीमेटली अगर आपको सिस्टम में इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटी में तो ब्रोकर चाहिए था फिजिकल फॉर्म हो या डीमैट फॉर्म हो तो फिजिकल फॉर्म में एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी कि आप ब्रोकर को टारगेट देते थे कि तेरे को 10 लाख एप्लीकेशन लानी तेरे को 5 लाख एप्लीकेशन लानी तेरे को 2 लाख एप्लीकेशन लानी है तो वो ब्रोकर जब आपके लिए इन्वेस्टर्स लेकर आता था तो उस ब्रोकर को हम लोग कमीशन पे करते थे अब इन्होंने बोला ये सब सिस्टम बंद करना है आप जो भी करते हो अब तो खैर आसबा आ गया तो उसमें ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट ही जीरो हो गया उस दिन हम लोगों ने अप्लाई किया ब्रोकर का कहाँ रोल था वर वी डायरेक्टेड टू द ब्रोकर साइट कुछ भी नहीं हम लोगों ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट से अप्लाई कर दिया था है ना तो
ब्रोकर वाला फंडा ही खत्म हो गया पूरी तरीके से, तो अब किसी को भी आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव्स, कि अगर कोई आपके लिए क्लाइंट लेकर भी आता है, इन्वेस्टर्स लेकर आता है, तो भी आप उसको कमीशन पे नहीं कर सकते, उसके ऊपर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। ठीक है, इंसेंटिव्स किस चीज़ के लिए? इफ समवन इज गेटिंग यू इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी के इशू में अप्लाई करेगा, तो उसको आपको कुछ भी इंसेंटिव नहीं देना है ना, इस दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आगे देखिए नेक्स्ट, डिफरेंशियल प्राइजिंग, ये आई थिंक आप IRCTC से कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नॉर्मली प्राइस बैंड इज 315 to 320 ना, कि 314 to 320 तरह, 315 से 320 है ना, ये आपका प्राइस बैंड था। और आपने ये पढ़ा था कि रिटेल कैटेगरी के लिए, एंड सेकेंडली आपकी एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी के लिए कंपनी ने 10 रुपये का डिस्काउंट रखा था, याद है? तो नॉर्मली सबको शेयर्स कितने पे मिलेंगे? 320, QIBs को 320, HNIs को 320, बट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको वो शेयर मिलेगा 310 रुपये पर। कब? जब मैं ये प्रिज्यूम करूं कि कंपनी का अलॉटमेंट प्राइस 320 का है। अब 320 पे अलॉटमेंट किया, 10 रुपये का डिस्काउंट किया, तो कितने में मिलेगा? 310 रुपये में ना, ऐसे क्यों देखते हो फिर? तो आपको शेयर कितने में मिलेगा? 10 रुपये में। तो इसको डिफरेंशियल प्राइसिंग बोलते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब डिफरेंट प्राइसेस। तो किसके लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग हो सकता है? रिटेल के लिए हो सकता है। एम्प्लॉय कैटेगरी अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउड है? 10% का, 10 रुपीज का नहीं, 10% का। इस केस में 10 रुपीज था, बट अदरवाइज मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो आप? 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। इतनी डिफरेंशियल प्राइसिंग हो सकती है, समझ में आया? तो अगर आपका सपोज IPO का अपर बैंड इज 100 रुपीज, तो उसका 10% मतलब 10 रुपये, 90 रुपये पर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे सकते हो, है ना? इज व्हाट यू मीन बाय डिस्काउंट। समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो आगे, बस इतना ही इसमें है ना, नॉट मोर देन 10% ऑफ द प्राइस। किसको दे रहे हो? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको अगर आपको डिस्काउंट देना, मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 10% डिस्काउंट दे सकते हो। हाँ, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है, मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, थ्योरी भी आता है, और मोस्ट डेफिनेटली आता है। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ लिखने पे और देखने पे फोकस करोगे ना तो बेटर है। डोंट स्काउट फॉर द नोट्स, कुछ भी मत दिमाग लगाना, आप तो बस यहाँ पे देखते रहना स्क्रीन पे, बिकॉज आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। जो आपके पास है ना, मैंने उसको टू एन एक्सटेंट सिंप्लीफाई कर दिया है, उसमें पॉइंट्स की लेंथ देखना आप घबरा जाओगे, क्योंकि वो ओरिजिनल ICDR है, और जो अभी मैं आपको इधर कुछ पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा ना, वो काफ़ी कुछ कर्टेल डाउन किया हुआ है। क्या चाहिए? तो खुश की हो रही हो, साजन घर आए ऐसे हो रही हो, बिल्कुल लग रहा। चलिए ना, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले ना इसका एसेंस समझना। जैसे एक सिंपल सा थॉट लेना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ब्लाइंड फेथ होता है कि अगर सर ने बोला है शेयर्स लेना है तो ले ले रहे हैं हम। कुछ थोड़े से समझदार कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं जो ये पूछते हैं कि कौन सा शेयर लेना है, तो मैंने बताया शेयर ले लो, फिर दूसरा पूछते हैं कि आपने लिया क्या। तो दोनों केसेस में डिफरेंस है। एक पहला वाला बेवकूफ़ी है, कभी जीवन में ऐसा मत करना कि किसी ने बोला और आपने उठा के शेयर्स खरीद लिए। दूसरी वाली कैटेगरी इज़ अ गुड कैटेगरी। उसमें थर्ड एक और कैटेगरी होती है जो बोलता है कि आपने लिया क्या, मैंने बोला हाँ दिखाओ। तो ये सबसे अच्छी कैटेगरी है अगर आप एज एन इन्वेस्टर देखो तो, है ना? सो नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, मेरा तो अपना ये आइडियोलॉजी हमेशा हर जगह मैं तो अप्लाई करता हूँ। कभी भी ब्लाइंड फेथ इज कंटिन्यूशन ऑफ रीजन, एक पॉइंट के बाद किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, नेवर ट्रस्ट, ट्रस्ट योर मनी, डोंट ट्रस्ट द इन्वेस्टर्स। मतलब आई थिंक दैट इज द पूरेस्ट स्ट्रैटेजी यू विल एवर फॉलो इन मार्केट्स। तो
अब प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का फंडा क्या है ये आप समझो कि जैसे पब्लिक इशू आया, आपने पब्लिक से पैसा रेस कर लिया, 100% पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। अब अगर आपने कमा लिया तो ऐसा प्रमोटर आप कमाओगे, है ना। अच्छा, अगर लॉस हो गया तो किसका लॉस हो रहा है? जिसने पैसा लगाया, किसने पैसा लगाया? पब्लिक ने। तो नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का। तो सभी का ये सोचना था कि जब भी आप पब्लिक इशू करते हो तो उस पब्लिक इशू का या आपके ऑफर साइज का या इशू साइज का एक पर्टिकुलर परसेंटेज शुड स्पेसिफिकली बी रिजर्व फॉर प्रमोटर्स। वो आपको स्ट्रिक्टली किसके लिए रिजर्व करना है? प्रमोटर्स के लिए रिजर्व करना है। और इसका थॉट क्या था कि जब आपका खुद का पैसा भी लगा हुआ है ना, यू आर ऑलवेज कॉशियस ऑफ हाउ थिंग्स आर, राइट। जैसे कि अब आपको कहाँ इसका एग्जाम्पल दूँ मैं, कहीं पर भी ले लो। खैर, बेलमेंट के केस में अपना हमेशा एक फंडा रहता है, जब आप खुद के कपड़े पहनते हो तो मतलब थोड़ा सा उसको ध्यान से पहने, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो आपका नुकसान हुआ। गलती से वो बैग बोरो स्टील वाला फंडा है, आप किसी दोस्त के कपड़े लेकर आए, किस हालत में वापस करोगे वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो आप लेकर आए, आपने उसको बिल्कुल जितना बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सके, दूसरी बार देगा नहीं, विश्वास करेगा ही नहीं आपके ऊपर। तो जितनी धज्जा उड़ा सकते थे आप कपड़ों की, इतनी धज्जा उड़ाते हैं और वापस फिर बुरी कंडीशन में हम सामने वाले को वापस ले जाके देते हैं। अच्छा, क्यों आप उसकी कंडीशन बुरी कर देते हो? क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा जूम कार का एग्जांपल देता हूँ व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स। सी, व्हेन इट्स योर ओन कार यू ड्राइव इट वेरी प्रॉपरली, राइट। आप बुशिंग का ध्यान रखोगे, गेयरिंग का ध्यान रखोगे, हर चीज़ आप बहुत प्यार से, क्योंकि आपकी गाड़ी है, कुछ भी डैमेज होता है तो आपका नुकसान है। जितने लोग ये जूम कार लेते हैं ना, भाड़े पे गाड़ी ले लेते हैं एक दिन के लिए, नाम भी उन्होंने इतना गलत रखा ना, जूम, वो इतना जूम जूम करके लेके जाते हैं ना उसको, बिल्कुल बैंड बजा देते हैं कार का। क्यों? क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ना ना, एक दिन में क्या ही डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे आप। और इतना कोई ऐसा, अच्छा जब कार ली तो फर्स्ट क्लास थी, जब वापस दी तो पाँचों छहों कांच टूटे फूटे हैं, रियर व्यू निकला हुआ है, स्टेयरिंग इधर की जगह इधर घूम रहा है, ऐसी हालत में तो नहीं दोगे। चलती हुई कंडीशन में देते हो, लेकिन स्पीड ब्रेकर आया, नॉर्मली स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी स्लो हो जाती, हम लोग दे धम करके जंप मारते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अपने बाप का क्या जा रहा है। तो बात वही हो जाती है कि व्हेन इट्स अबाउट समवन एल्सेस मनी, हम लोग थोड़े से लीस्ट कंसर्न्ड होते हैं, बट जब अपना खुद का पैसा लगता है, अपनी खुद की चीज़ होती है, तो हम लोग थोड़े से कॉशियस होते हैं, थोड़े से केयरफुल होते हैं। तो सेम थॉट इन्होंने आईपीओ के केस में भी लगाया। नॉट दैट दे वर इंस्पायर्ड बाय जूम कार मॉडल, बट इट्स नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर आपकी चीज़ है तो आप हमेशा उसको ध्यान से रखोगे। अच्छा, अब नाउ अप्लाई दीज थिंग्स हियर। तो इनका ये सोचना था कि जब भी कंपनी का पब्लिक इशू आता है, उस पब्लिक इशू का एक पर्टिकुलर परसेंटेज, एक पर्टिकुलर ये ब्रैकेट आपको कंपल्सरली किसको देना है? प्रमोटर्स को देना है। अच्छा, प्रमोटर्स ने जो भी उनका सब्सक्रिप्शन था वो ले लिया। अच्छा, आप बोल क्या रहे हो? पब्लिक इशू, व्हेन यू से पब्लिक इशू, मतलब उसमें प्रमोटर्स तो आते ही नहीं है। पब्लिक इशू मतलब स्ट्रिक्टली शेयर्स किसको दे रहे हो? आप पब्लिक को दे रहे हो। तो जो भी प्रमोटर्स का कोटा होता है, प्रमोटर्स इशू स्टार्ट होने के पहले अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे देते हैं, और उसके बाद जो भी शेयर्स बचते हैं वो सिर्फ किसके लिए होते हैं? पब्लिक के लिए। तो आपको इस टॉपिक में एसेंशियली ये पढ़ना है, समझना है कि पहला, प्रमोटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन पब्लिक इशू में होना चाहिए फर्स्ट, और दूसरा अगर अच्छा फिर एक सेकंड थॉट लेना, प्रमोटर्स ने शेयर्स ले लिए, इशू प्राइस था 300 रुपये, अलॉटमेंट हो गया 300 रुपये पे, प्रमोटर्स ने 20% खरीद लिया। जैसे ही लिस्टिंग हुई आठवें दिन अलॉटमेंट हुआ, मतलब लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग आपने पहले ही दिन सब शेयर्स बेचे और निकल लिए, वापस से फिर वही बात आ गई, 0.0 रुपये आ गए हम लोग की। प्रमोटर्स ने तो शेयर्स लिए, जब प्राइस बढ़ गया इमीडिएटली बेच दिए, अब वापस कंपनी का क्या, उसको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाएगा? तो इन्होंने क्या बोला, पहला प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कंपलसरी है, और दूसरा जो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर लॉक इन भी कंपलसरी है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो सिक्योरिटीज में उस वो प्रमोटर डील नहीं कर सकता है। इस सेकेंड थॉट, ये समझ में आ रहा है? सो अपने को यहां पर दो चीजें पढ़ना है, पहला प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और सेकेंड लॉक इन मतलब आप उस टाइम पीरियड में उन शेयर से डील नहीं कर सकते, इस प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन लॉक इन पीरियड। कोई कंफ्यूजन बेसिक थॉट में किसी को ना? अब ये समझते हैं कि कितना प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन आपने करना है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, अलग अलग कंडीशन है सब जगह। एक मोटा मोटी मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के प्रोविजंस काम किस तरीके से करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल बेस्ड हम लोग एग्जांपल देखते हैं और फिर प्रोविजंस पढ़ते हैं साथ में। सो दे आर सेइंग 20% ऑफ द इशू साइज और 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, ये कंपल्सरीली प्रमोटर्स को सब्सक्राइब करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इशू साइज? पब्लिक इशू का 20%। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट इशू कैपिटल?
इशू के बाद आपकी जो रिजल्टिंग कैपिटल होगी वो कंपल्सरली कौन सब्सक्राइब करेगा? प्रमोटर्स सब्सक्राइब करते हैं. डन? ना, अब इधर समझना. ओ अच्छा हाँ, सॉरी फॉरगॉट टू टेल यू, दिस इज़ मिनिमम. कम से कम इतना लेना है. अच्छा 20% से ज़्यादा लेना हो तो कहाँ तक जा सकते हैं? 75 है ना, क्योंकि प्रमोटर्स की मैक्सिमम इक्विटी कितनी हो सकती है कंपनी में? 75%. डन? अच्छा जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी आपको यहां पर दिख रही है ना, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रमोटर्स. ये कौन लेकर आया? प्रमोटर्स लेके आए. कि ना मॉड्यूल में एक्चुअली कुछ पॉइंट्स हटाई दिए इन्होंने जो ज़रूरी थे. इसका ना एक एक्सेप्शन दिया हुआ है बट आपके इसमें दिया ही नहीं है बुक्स में, पता नहीं क्यों. इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि 20% आना चाहिए प्रमोटर्स से. मान लो प्रमोटर्स ने 20% नहीं लिया, 12% लिया, तो 8% कोई और ला सकता है. कोई वेंचर कैपिटल फंड ला सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी ला सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ला सकती है. अभी सब हटाई दिया उन्होंने, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था. आपने पढ़ा होगा ये सब ना. डन? चलो अब मेरे को ये बताना जरा, कौन से केस में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब कितना और प्रमोटर्स को लेना है पब्लिक इशू में, इज द क्वेश्चन. ऑल थ्री केसेस. सेकेंड वाले में लेना है. ओके ठीक है. थर्ड में भी लेना है, सेकेंड में भी लेना है, थर्ड में भी लेना है. नाइस, परफेक्ट सोच रहे हो. चलो अब देखना जरा, पोस्ट इशू कैपिटल कितना है मेरा? 200 crores. कितना चाहिए अपने को प्रमोटर्स को, कितना लेना है? 20%. तो 200 करोड़ का 20% मतलब 40 crores. अच्छा अब ये समझो जरा, यहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी? 100 करोड़ की, और पूरा 100 करोड़ कौन लेकर आया? प्रमोटर्स. कितना चाहिए था प्रमोटर्स से? 40. यहाँ पर कितना है उनका? 100. और लाने की ज़रूरत है क्या? नहीं. तो ये पूरा 100 करोड़ जो है, दिस कुड बी ऑफर्ड टू पब्लिक, पूरा पब्लिक को दे सकते हो. ठीक है, सेकेंड केस देखना, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0. इशू कितने का है? 100. पोस्ट इशू कितना हो रहा है? 100. तो कितना प्रमोटर्स को लेकर आना है? 20. तो 20 करोड़ कौन लेकर आएगा? प्रमोटर्स. ये कौन लेकर आ रहे हैं? प्रमोटर्स. तो जब अगर आप बात करते हो ना कि आईपीओ मतलब पब्लिक इशू कितने का आएगा, तो यहां पर पब्लिक इशू आएगा 80 crores का. 100 करोड़ का नहीं होगा, 80 crores का इशू होगा. इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में इशू कितने का हो सकता है? 100 करोड़ का. थर्ड देखना,
प्रमोटर्स ने कितना दिया 20, इशू कितने का है 200, रिजल्टिंग कितना हो रहा है 220, उसका कितना परसेंट 20, मतलब कितना आना चाहिए प्रमोटर्स से 44 क्रोर्स, कितना ऑलरेडी दे चुके हैं 20, तो और कितना एडिशनल लेकर आएंगे 24 क्रोर्स एडिशनल लेकर आएंगे। तो इशू जो है यहाँ पे 200 क्रोर्स का नहीं होगा, इशू कितने होगा 196 क्रोर्स का, क्योंकि 200 में से चार तो किसको लेना है, अबे 200 में से 4 करोड़ प्रमोटर्स लेंगे ना, तो इशू 196 क्रोर्स का, 20 तो ऑलरेडी दिया ना, सॉरी हाँ 220 है ना, करेक्ट, तो 176 करोड़ का इश्यू है आपका। बोलो कोई कंफ्यूजन हो इसमें किसी को भी, तो ऐसे अगर एक बार ना बोल देते ना तो मेरे को पता चल जाता कि कंफ्यूजन है कि नहीं है। है कोई डाउट? थैंक यू। व्हाट्स अप डूड, ऑल गुड, चिल, चलो भैया आगे चलें इसके बाद क्या। ये फंडा क्लियर है? तो 20% पोस्ट इशू का कौन कंट्रीब्यूट करता है? प्रमोटर स्टैच्युटरली कंट्रीब्यूट। अब अलग अलग केसेस में हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे, मैं पहले आपको सिर्फ उसका जो बेसिक मीनिंग है वो एक बार समझा रहा हूं, फिर प्रोविजंस पढ़ेंगे। सेकेंड देखना लॉक इन, अच्छा ये लॉक इन किसके लिए पढ़ रहे हो आप, खैर छोड़ दो प्रमोटर के, लॉक इन फॉर एनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब इनका क्या कहना है कि दो कैटेगरीज, पहला प्रमोटर और सेकंड इंस्टीट्यूशनल। अच्छा क्यू आई बी वाला इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक सेपरेट कैटेगरी है। लॉक इन का मतलब क्या होता है? उस टाइम पीरियड में आप उन शेयर से डील नहीं कर सकते, इस व्हाट यू मीन बाय लॉक इन। हाँ तो अगर आप प्रमोटर के लॉक इन के ऊपर बात करते हो तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर लॉक इन कितना है, दे सेइंग अप टू 20% अगर प्रमोटर्स ने लिया तो उसके ऊपर होगा लॉक इन 3 ईयर्स का। अगर 20% से ज्यादा आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके ऊपर लॉक इन है 1 ईयर का। और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को आपने शेयर्स अलॉट किए हैं तो इसके ऊपर देयर इज अ फ्लैट लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। नाउ 3 ईयर्स, 1 ईयर या फिर 1 ईयर, स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आप बोलते हो ना 1 साल का लॉक इन है या 3 साल का लॉक इन है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब जिस दिन कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, या फिर दूसरा डेट ऑफ अलॉटमेंट, इन दोनों में से विच एवर हैपेंस लेटर। दो डेट्स आपने कंसिडर करनी है, कौन सी? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल। अच्छा इसका मतलब क्या होता है ना, क्या एक मिनट सुनना जरा,
इनफैक्ट आपको दो तीन केसेस भी मिल जाएंगे, रियल लाइफ केसेस मिल जाएंगे इसमें. व्हाट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन? जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि कंपनी ने पैसा रेस कर लिया लेकिन अभी तक उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं किया, जिस पर्पज़ के लिए पैसा रेस किया था वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया. मतलब इन शॉर्ट आपने कंपनी से, मतलब इन्वेस्टर से पैसा लिया, उसके बाद आपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, फिर आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, फिर आपने R&D किया, उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और उसके बाद आपने सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया. तो जिस पॉइंट पर आप गुड्स बनाना स्टार्ट करते हो, पूरी फैक्ट्री सेटअप करके, इंस्टॉलेशन करके, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, उस दिन से लॉकिंग स्टार्ट होगा. या फिर दूसरा, डेट ऑफ अलॉटमेंट, कि अगर मैंने आज आपको शेयर्स दिए तो आज से 3 साल या फिर 1 साल. अच्छा, इसका फंडा क्या होता है? जैसे कि रिलायंस पावर, आई थिंक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, दो तीन जगह फिट हो सकता है वो. आर पावर के केस में यही एक दिक्कत हुई थी. आर पावर का जब पब्लिक इशू है 2009 में, तो उसके जस्ट 3-1 साल पहले RPL का पब्लिक इशू आया था, रिलायंस पेट्रोलियम, दैट वाज आई थिंक 2006 ऐसा कुछ था. तो RPL का पब्लिक इशू आया, इट वाज सुपर हिट, मतलब सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिला, ओवर सब्सक्राइब हुआ, 62 रुपीज़ का उसका अपर बैंड था. एंड व्हेन द कंपनी गॉट लिस्टेड, इट गॉट लिस्टेड अराउंड 100 रुपीज़. उस वक्त ऐसा लोग पगले हो गए थे कि 35-40% रिटर्न कैसे दे रही है किसी स्टॉक ने, 50% हो गया था इनफैक्ट. जब आर पावर का इशू आया तो आर पावर के टाइम भी लोगों को सेम एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसा कि रिलायंस पेट्रोलियम ने परफॉर्म किया था. उसकी स्टोरी बताऊंगा आपको बाद में, मतलब मज़ेदार है, मतलब दिल खुश. आज नहीं बता पाऊंगा, आज आपको समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टोरी है वो. तो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एंड देन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दिस. कसम, मम्मी कसम, झूठ थोड़ी ना, सच्ची. हाँ, 2008 ना, 2008 में कल पढ़ के आऊँगा पक्का. कल सच्ची पढ़ के आऊँगा, आपको बहुत अच्छे से एकदम विस्तार में समझाता हूँ. तो उसके लिए माँ कसम नहीं खाया हूँ मैं. हाँ, तो अब क्या था, जैसे 2009 में पब्लिक इशू आया और इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सॉरी, पावर जनरेशन का जो काम स्टार्ट करेंगे 2016 से, तो 7 साल उनको पूरा के पूरा इंस्टॉलेशन के लिए लग रहा था. उसके बाद वो लोग मेन काम स्टार्ट करते, जिसके लिए पैसा रेस किया, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होंगे 7 साल के बाद. तो इस केस में अब लॉक इन 2009 से नहीं होगा. आपने अलॉटमेंट 2009 में किया लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्शन, मतलब ये पावर जनरेशन आपका कब से स्टार्ट हुआ? 2016 से. तो 2016 से 3 साल, मतलब जब एक्चुअली में आपके रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होता है उसके बाद 3 साल से आपको सबके सब ये, मतलब लॉक इन स्टार्ट होगा. अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसने पैसा रेस किया एक्सपेंशन के लिए, तो उस केस में अलॉटमेंट की डेट से आपका 3 साल या 1 साल स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो इन दोनों डेट्स में विच एवर हैपेंस लेट अप. अच्छा, अब ये 20 ईयर्स, 20% और ये सब क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने? अभी हम लोगों ने पढ़ा मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 20%. तो अगर 20% ही प्रमोटर्स ने लिया है तो 3 साल तक अटके रहेंगे. अगर 20% से ज़्यादा लिया तो जितना 20% के ऊपर था उसके ऊपर 1 साल का लॉक इन है. जैसे अभी आपने इस पर्टिकुलर केस में देखना, कोई सा भी केस देखो. हाँ, ये फर्स्ट वाला केस देखो. अच्छा, प्रमोटर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 100 करोड़. पब्लिक का कितना आया? 100. टोटल कितना हो गया? 200. तो प्रमोटर्स का 100 हो गया. अच्छा, अब आपका इशू कितने का हो गया टोटल? 200 का नहीं रे, 100 का है. इशू तो 100 का ही है ना, इशू कहाँ 200 का हुआ, वो तो पोस्ट इशू आपका 200 हो गया, बट इशू तो 100 का ही है. अच्छा, अब 20% ऑफ पोस्ट इशू, पोस्ट इशू कितना हो गया मेरा? 200 करोड़. इसका कितना परसेंट? 20. कौन लेगा? प्रमोटर्स. मतलब 40 करोड़ प्रमोटर्स को लेना चाहिए था लेकिन कितना लिया है? 100. तो 40 करोड़ के ऊपर, विच इज 20%, 3 साल का लॉक इन. सौ करोड़ प्रमोटर्स ने लिया, बराबर है. और इशू, ये आपका पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो रही है? 200 करोड़. इसका कितना परसेंट लोगे? 20%. मतलब 40 करोड़ मिनिमम लेना था प्रमोटर्स को लेकिन लिया कितना? 100. तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर लॉक इन कितना है? 3 इयर्स का. एंड एनीथिंग विच इज बियॉन्ड 20%, मतलब 60 करोड़, इसके ऊपर लॉक इन कितना होगा? 1 साल का. सिंपल, समझ में आ रहा है? तो अप टू 20% लॉक इन 3 साल का, बियॉन्ड 20% लॉक इन 1 साल का. स्टार्ट कब से होगा? कमर्शियल प्रोडक्शन और डेट ऑफ अलॉटमेंट, विच एवर हैपेंस लेटर. याद रहेगा एवरीवन? कोई कंफ्यूजन हो तो बताए. जी सर. मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है सर.
अरे वो सब इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस है सर, और जब वो लेते हैं ना तो ऐसे डायरेक्टली मतलब आप अपने खुद के नाम से नहीं करते हो वो सब ट्रेड्स, तो थ्रू थ्रू वाया वाया करते हो। और लास्ट मेरे ख्याल से जो मूवी के डायरेक्टर्स होंगे ना उसमें तो कोई सीएस नहीं होगा, तो उनको पता नहीं होगा कि टेक्निकली पिक्चर कैसे बनानी है। तो बाकी आप मूवी को आप एविडेंशरी वैल्यू नहीं दे सकते हो कि पिक्चर में ऐसा बताया तो ऐसे ही होता है ना, मतलब बहुत अलग चीज़ है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या है, नहीं तो मैं आपको बता देता क्या है उसमें। ओके सर, पक्का अभी डाउनलोड के लिए लगाई, 5-6 दिन में होगी उसके बाद लगाता हूँ पिक्चर। चलो तो ये समझ में आ रहा है अपने को कितना मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, 20%। लॉक इन कितना होगा, अप टू 20%, 3 ईयर्स, बियॉन्ड 20%, 1 ईयर। कब से कमर्शियल प्रोडक्शन और अलॉटमेंट विच हैपेंस लेटर, और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है तो फ्लैट लॉक इन 1 साल का, सेम कमर्शियल प्रोडक्शन और अलॉटमेंट विच हैपेंस लेटर, याद रहेगा एवरीवन। चलो भाई नाउ यू आर इन हेल, अब प्रोविजंस पढ़ो। अरे मेन चीज तो अभी है, ये तो कॉमेडी चल रही थी अब तक। मतलब एक्चुअली बहुत सिंपल है, मजाक कर रहा था। हाँ भैया, द प्रमोटर्स शैल कॉन्ट्रीब्यूट इन द पब्लिक इश्यू एज फॉलोस। पहला पॉइंट पढ़ना, ईदर टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रपोज्ड इश्यू साइज। व्हाट इज प्रपोज्ड इश्यू साइज, जितने का इश्यू है, और टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। अभी जस्ट पढ़ा था, बोलो ना। हाँ पढ़ा था, बोलो ना। हाँ 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 हाँ। सेकेंड देखो, इनकेस ऑफ अ कॉम्पोजिट इशू, क्या गंदा नाम लिखा है कॉम्पोजिट इशू। कॉम्पोजिट इशू का मतलब समझो, कॉम्पोजिट इशू मतलब जहाँ पे यू कंबाइंड टू और मोर इशूज इज अ कॉम्पोजिट इशू। एग्जाम्पल से समझते, इधर देखो, हाँ ये IPO कंपनी का। IPO में कितनी कैटेगरी इन्वेस्टर्स की, बुक बिल्डिंग की बात करें हम लोग, प्योर 3, पहली, दूसरी, ठीक। अब आपने क्या किया, सपोज इस QIB कैटेगरी को आपने 10 करोड़ शेयर्स दिए, HNI कैटेगरी को लेट्स से कितने 3 करोड़ शेयर्स दिए, और रिटेल कैटेगरी को आपने 7 करोड़ शेयर्स दिए, है ना। टोटल 20 करोड़ शेयर्स का इशू है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके, नाउ आउट ऑफ रिटेल कैटेगरी आपने 2 अलोकेशंस रिजर्व किए, ओके, 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलोकेशन रिजर्व किए। पहला जो आपने रिजर्व किया आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट एक ही में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ ऐसा लगे कन्फ्यूजन हो रहा है वापस से पूछना। सेकेंड, आपने एक और रिजर्वेशन क्रिएट किया विच इज़ फॉर योर एम्प्लॉइज, एंड थर्ड विच इज एन ऑफर फॉर सेल। आप प्लस करके नीचे भी लिख सकते हो अगर जगह की दिक्कत है तो। डन। हाँ भैया, रिटेल के लिए कितने शेयर्स है, 7 करोड़। अब ये लिमिट है, ये आगे पढ़ना है आपको। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप 5% तक, सॉरी शेयर होल्डर्स 10%, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्वेशन क्रिएट करना चाहते हो तो इट इज़ अलाउड, 5% तक कर सकते हो। 5% 10% ऑफ व्हाट, ऑफ इशू साइज। इशू कितने का है आपका, टोटल कितने शेयर्स है, 20 करोड़, तो 20 करोड़ का 5% कितने हो गए, 1 करोड़ शेयर्स ना। तो 1 करोड़ शेयर्स आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व कर सकते हो, सॉरी 2 करोड़ ना, 10% है ना, और 5% एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब 1 करोड़ शेयर्स आप एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व कर रहे हो। तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि जनता को, जनरल जनता को कितने शेयर्स मिले, तो टोटल RIA कैटेगरी के लिए कितने थे, 7 करोड़, उसमें से आपने शेयर होल्डर्स के लिए कितने रखे, 2 करोड़, और 1 करोड़ आपने किसके लिए रखा है,
एम्प्लॉयज के लिए, तो नॉर्मल पब्लिक को कितने मिलेंगे? 4 करोड़ शेयर्स। टोटल रिटेल के लिए कितने? 7। उसमें से आपने शेयर होल्डर्स को कितना दिया? 2। एम्प्लॉयज के लिए कितना दिया? 1। तो नॉर्मल पब्लिक को, जो ना ही एम्प्लॉयज है ना ही शेयर होल्डर्स है, उसके लिए कितना बचा? 7 - 2 - 1, 4 करोड़। समझ में आया एवरीवन? अच्छा आप सुनो, इधर देखो, अगर आप अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो, इज दिस कॉल्ड एज राइट्स इशू? बोलो ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए तो राइट्स इशू हुआ ना। व्हेन शेयर्स आर रिजर्व फॉर इट्स एम्प्लॉयज, इसको हम बोलते हैं ESPS, एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम। ESOP नहीं है ये, ESPS है। कि पब्लिक इशू का एक पर्टिकुलर कोटा, एक पर्टिकुलर पोर्शन आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व कर दिया इस ESPS, एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम। डन। इस इशू को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट, IPO प्लस राइट्स, IPO प्लस ESPS, IPO प्लस ऑफर फॉर सेल, ये सारे के सारे कॉम्पोजिट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इस कॉम्पोजिट इशू। बहुत खासा डिफरेंस है सर, जब ESOP पढ़ेंगे ना तब समझेंगे, मतलब उसके लिए पूरा ESOP समझना पड़ेगा आपको। बट ESOP स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, यहाँ तो आप शेयर्स देते हो, मतलब खासा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। आपके इसमें सिक्योरिटीज में भी है, आगे देखेंगे। डन एवरीवन। हाँ तो कॉम्पोजिट इशू क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इशू। इसमें समझ में आ रहा है ना कॉम्बिनेशन कैसे? एक तो IPO है जो जनरल पब्लिक के लिए, और दूसरा IPO प्लस राइट्स भी हो गया। क्यों? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए पोर्शन क्रिएट किया। IPO प्लस ESPS भी हो गया। क्यों? एम्प्लॉयज के लिए एक पोर्शन क्रिएट किया, बराबर है। अच्छा आप सुनना, एक ही मिनट इधर ध्यान देना। एक और वर्ड होता है विच इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल। वट इज एन ऑफर फॉर सेल? एक मिनट सुनना, कंपनी लॉ वालों ने खैर पहले पढ़ा होगा। अच्छा जैसे हम लोग ना सिक्योरिटीज में VC फंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, PE फंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, याद है? एंजल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स पढ़ा है ना। हाँ तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सुन पढ़ रहे थे। नाउ अब आप ऐसा समझिए कि 5 साल पुरानी कंपनी है, 5 साल पहले जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सो यू वांटेड सम इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। यू अप्रोच्ड अ VC इन्वेस्टर, VC इन्वेस्टर ने आपको 5 करोड़ रुपये दिए, और तब उसने आपसे 50 लाख शेयर्स लिए एट व्हाट प्राइस? ₹10 per share। तो आपने एक VC फंड को 50 लाख शेयर्स इशू किए एट ₹10। ये कब है? इनकॉर्पोरेशन के बाद, व्हेन यू आर अ स्टार्टअप। 5 साल हो गए, बिजनेस फ्लरिश्ड, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है। नाउ आपने पब्लिक इशू में अपना प्राइस बैंड रखा से 310 to 320, सेम वही एग्जाम्पल है, 310 से 320 का प्राइस बैंड है। ओके इस पॉइंट पर आपका जो VC फंड है, जिसको शेयर्स कितने में मिले थे? देखा ना, ₹10 में अलॉट किए थे। आज उसके ₹10 की चीज़ कितने की होगी? ₹320 की होगी, मतलब 32 times हो गया 5 साल में पैसा। तो बोल रहा है मेरे को एग्जिट करना है ना, उसने क्या बोलना है? मेरे को एग्जिट करना है। तो वो अपने शेयर्स ₹320 में ऑफर करने को तैयार है, और कितने शेयर्स है उसके पास? 50 लाख। इधर देखना आप ज़रा, टोटल पब्लिक इशू कितने का है अपना? 20 करोड़ शेयर्स का। तो ये इन्वेस्टर क्या बोल रहा है, VC फंड क्या बोल रहा है कि साहब आप अपने शेयर्स पब्लिक को दे ही रहे हो, मेरे को भी मेरे शेयर्स पब्लिक को देने। तो जब आप पब्लिक को बोलते हो कि आपका इशू कितने का है, तो उनको ये मत बोलना कि 20 करोड़ का इशू है, आप उनको ये बोलना कि 20.50 करोड़ का इशू है, जिसमें 20 करोड़ शेयर्स कौन दे रहा है? कंपनी। और 50 लाख शेयर्स कौन दे रहा है? इन्वेस्टर दे रहा है। तो ये इशू 20 करोड़ 50 लाख शेयर्स का हो गया। नाउ जो इन्वेस्टर शेयर्स दे रहा है 50 लाख, उसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, क्योंकि वो नए शेयर्स नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इशूड शेयर्स है। और जो कंपनी इशू कर रही है 20 करोड़ शेयर्स, वो मार्केट में पहली बार आ रहे हैं। 20 करोड़ शेयर्स कंपनी क्रिएट कर रही है ना, और 50 लाख शेयर्स तो ऑलरेडी आप किसी को दे चुके हो, बस वो अपने शेयर्स बेच रहा है। तो 50 लाख शेयर्स के लिए इट इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल, और 20 करोड़ शेयर्स के लिए इट इज कॉल्ड एज पब्लिक इशू और IPO।
इसको भी कॉम्पोजिट इशू बोलते हैं. आईपीओ ऑफर फॉर सेल कॉम्पोजिट, आईपीओ राइट्स कॉम्पोजिट, आईपीओ ईएसपीएस कॉम्पोजिट, ये सारे के सारे इंस्टेंसेस है कॉम्पोजिट इशू के. कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं जल्दी से. एनीवन, ये सब लिख लिया आप लोगों ने जितनी भी कथा कहानी यहां पे लिखी है? यार जब भी पढ़ो ना ये आपकी नोटबुक साथ में रखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हो. लिख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद.